नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, वैसे तो आप देखें तो गिलोय का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। गिलोय बहुत ही गुणकारी औषधि है, बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। आपके किसी भी प्रकार के बुखार को ठीक करने के लिए गिलोय बहुत ही अच्छी औषधि है। लेकिन इसी के साथ साथ गिलोय के कुछ एक नुकसान भी हैं, यानी कि कुछ एक ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में हम सभी जानेंगे। गिलोय बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है और यह एक बहुवर्षीय लता होती है। इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। यह बहुत ही गुणकारी औषधि मानी जाती है। गिलोय की लता जंगलों, खेतों की मेड़ों, पहाड़ों की चट्टानों इत्यादि स्थानों पर आसानी से मिल जाती है। इसकी पत्तियां और रस दोनों ही गुणकारी होते हैं। सामान्य खतरनाक बीमारी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतने गुण होने के बाद भी कुछ बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसी बारे में आज हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो पेट की समस्या होने पर, जी हाँ, अगर आपको पेट की समस्या है तो गिलोय का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इसके कारण अपच की शिकायत हो सकती है। अपच की समस्या होने पर इसका किसी भी तरह से, यानी कि कैप्सूल या रस, प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके कारण पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत आपको हो सकती है। इसके अलावा ब्लड शुगर का स्तर कम होने पर, जी हाँ, गिलोय के सेवन से ब्लड शुगर कम होता है। इसीलिए अगर आपका ब्लड शुगर पहले से ही कम है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ब्लड शुगर कम करते वक्त सावधानी बरतें। डायबिटीज में चिकित्सक की सलाह के बिना इसका सेवन न करें। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा, जी हाँ, इम्यूनिटी का सुचारू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इम्यूनिटी बहुत अधिक सक्रिय हो जाए तो भी खतरनाक है, क्योंकि इस स्थिति में ऑटो इम्यून बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी इसके अधिक प्रयोग से ल्यूप्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं आपको। अगर आपको ये बीमारियां हैं तो गिलोय का सेवन बिल्कुल ना करें उस स्थिति में। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान, जी हां, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण इस दौरान शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं या सर्जरी हुई है तो भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को प्रभावित करता है और इसके कारण सर्जरी के घाव सूखने में आपको समस्या आएगी। इस वजह से उस स्थिति में आपको इसका सेवन नहीं करना होता है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि गिलोय कौन कौन सी बीमारियों में नहीं सेवन करना चाहिए इससे रिलेटेड रहा। कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ आपके मन में कोई भी सवाल है, यानी कि आपकी कोई भी बीमारी के बारे में जानने की इच्छा है, तो वो अपने सवाल आप कमेंट्स के माध्यम से हमें लिख भेजिए। हम आपके उन क्वेश्चंस को अवश्य पढ़ते हैं, आपके सुझावों को अवश्य पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो लिख भेजिए, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं अगर अब तक नहीं कर पाए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कहीं भी किसी भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है तो अन्य लोगों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएँ। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।